हम इस सीरीज में देख रहे हैं कि पांच अलग अलग स्टेजेस जिसमें फार्म हाउस कंस्ट्रक्ट होता है, और हमने अभी तक डिस्कस किए ऑल द चार स्टेजेस, जहां पे आपने लैंड ले ली, लीगल वेरिफिकेशन कर लिया, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाई, और उसके ऊपर अभी कंस्ट्रक्शन भी कर लिया। कंस्ट्रक्शन होने के बाद क्या पांचवी स्टेज है? पांचवी स्टेज आती है जिसको कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ द फार्म हाउस। एंड बहुत बार ये चीजें ना ध्यान नहीं दी जाती है, जिसके वजह से फार्म हाउस इन्वेस्टमेंट बहुत सारे लोगों के लिए ना ब्लंडर बन जाता है। लोगों को बस लगता है कोई एक आध आदमी रख लेंगे फार्म हाउस मैनेज करने के लिए और सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं चार अलग अलग मिस्टेक्स जो नॉर्मली फार्म हाउस मेंटेनेंस में होती है, और अगर ये मिस्टेक आपके फार्म हाउस में ना हो तो आपने क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है वो होता है फार्म हाउस मेंटेन करना, ये सफेद हाथी को मेंटेन करने जैसी बात है। यानी आपके खर्चे कंटिन्यूअसली बढ़ते जाते हैं, क्योंकि जैसी जैसी आपकी प्रॉपर्टी होल्डर होती जाती है वैसा उसका भी खर्चा आता है। सेकंड, आपके यहाँ पे राइट रिसोर्सेस है, इसका मॉनिटरिंग आप राइटली नहीं कर सकते। बहुत बार आपने कितने बजे वो रिसोर्स के आने के लिए कहा था, आपने एक आदमी रख दिया, वो कितने बजे आता है, कितने बजे जाता है, कितने काम करता है, क्या करता है नहीं करता है, ये सबका मैनेजमेंट करना डिफिकल्ट होता है। और अगर वो छोड़ के जाता है तो उसका सब्स्टिट्यूट लाना, रिप्लेसमेंट लाना, ये अगेन दूसरा टास्क हो जाता है, क्योंकि आपको लोकली ढूंढना पड़ता है या किसी को वहां पे लेके जाना पड़ता है। मीन टाइम अगर उतने में वो प्रॉपर्टी नहीं मेंटेन होती है तो वापिस अलग अलग मेंटेनेंस के खर्चे निकलने लगते हैं। सेकेंड थिंग, हेवी कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज। लेट्स एक्सेप्ट इट, आज की तारीख में आपको 10,000-12,000 रुपए में भी रिसोर्सेस नहीं मिलते पूरे दिन के लिए काम करने के लिए। आपको मल्टीपल रिसोर्सेस अलग अलग टाइम पे रखने पड़ सकते हैं माइट बी, तो वो इतना कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं होता है। ऑब्वियसली आपने फार्म हाउस दिखाने के लिए लिया हुआ है, बट उतना अच्छा मेंटेन नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी वो कॉस्ट पे करना, और पे करने के बाद भी वो काम नहीं होते बहुत बार आया, बट मेंटेन नहीं हो रहा है, मेंटेन नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली आपको यूज करने में दिक्कतें आती है। कभी नल का पानी चला जाएगा, नल टूट जाएगा, कचरा था वहां पे जाने के बाद आपको क्लीनिंग करना पड़ेगा, माइट भी वहां पे स्टाफ भी आपने रखा है बट आपको जो एक्सपेक्टेशन था क्लीनिंग हो मेंटेन हो उस तरह से नहीं हुआ है। तो आप जब भी फार्म हाउस के लिए विजिट करते हो आपको पहले जाके देखना पड़ता है ये सब क्लीन है नहीं है, या फिर खुद का आपका टाइम चला जाता है, आपके 2 दिन वेस्ट होते हैं फार्म हाउस को सीधे कंडीशन में लाने के लिए। अगर फार्म हाउस अच्छे से यूज नहीं हो रहा है तो रेंट पे भी नहीं जाता है। नॉट नेसेसरी आपने रेंट पे देने के लिए वो फार्म हाउस लिया है, बट एक बात है, रेंट पे वही जाता है जो अच्छा मेंटेन है, और अगर वो रेंट पे जाने वाले टाइप का है तो आपको रीसेल भी मिलता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमने फार्म हाउस बना के मिस्टेक कर दिए, बहुत बड़ा खर्चा भी हो गया, खुद भी यूज नहीं कर सकते, रेंट पे भी नहीं जाता है, और अभी कोई ले भी नहीं रहा है। इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि आपका फार्म हाउस अच्छे से मेंटेन नहीं हो रहा है। नाउ अब ये चार चीजों के ऊपर सॉल्यूशन क्या है? पहला तो फार्म हाउस मेंटेन करने का खर्चा बहुत ज्यादा है, जिसको हम बोलते हैं व्हाइट एलिफेंट। बेस्ट डेवलपमेंट आपने पहले तो करना चाहिए, यानी आप जो भी फिटिंग्स बिठा रहे हो, जो भी इंटीरियर बना रहे हो, जो भी लैंडस्केप बना रहे हो, ये हमेशा इस पॉइंट से सोचो कि आपको मेंटेनेंस पॉइंट से कितना कम से कम चीजें लगेगी। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप नॉर्मल रोड बना रहे हो, गिट्टी का रोड बनाने के बजाय आप वहां पे सीमेंट का रोड बनाओ, ताकि हर टाइम उसका मेंटेनेंस में उतना खर्चा ना लगे। सेकेंड, हेवी कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेस। आपको रिसोर्स शेयरिंग में कोई मिल सकता है क्या? आजू बाजू 2-3 फार्म हाउसेस है जिनको साथ में लेके आप एक रिसोर्स कॉमनली रख सकते हो क्या? इसके लिए आप ये भी सोचते हो कि गेटेड कम्युनिटी अगर है तो आप गेटेड में रिसोर्सेज ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो। थर्ड पॉइंट मैंने जो बताया कि अगर मेंटेन नहीं होता है तो फिर यूज भी नहीं होता है। इसके लिए देखो कि आप जब यूज नहीं कर रहे हो खुद, उस टाइम पे एयरबीएनबी है, bookings.com है, देयर आर डिफरेंट रेंटिंग एजेंट, उनके थ्रू आपकी प्रॉपर्टी रेंट पे जा सकती है क्या? रेंटिंग इज बेसिकली आपकी प्रॉपर्टी यूज भी होगी, रेंटल कमाना ये माइट बी सेकेंडरी पर्पज होगा, बट प्रॉपर्टी यूज होगी तो अच्छे से मेंटेन होगी, इसका लॉन्ग रन रीसेल वैल्यू भी अच्छा आएगा। सो फोर्थ पॉइंट यही पे कनेक्ट हो जाता है, वैल्यूएशन इज टोटली लिंक्ड टू द मासिव इनकम दैट प्रॉपर्टी इज प्रोड्यूसिंग। कल आपको उसका वैल्यूएशन निकालोगे तो लोगों को आप बता सकते हैं, सर देखो एयरबीएनबी bookings.com पे मेरे प्रॉपर्टी का इतना ऑलरेडी बार रेंट आउट हो चुका है, तो सामने वाला लेते वक्त जो बायर है वो सोचेगा अरे मैंने ये प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, ना कि वो जिसका कोई भी मेंटेनेंस नहीं हो रहा है।
तो ये चार पॉइंट आपने ध्यान में रखने चाहिए एंड बेसिकली ये सबको अवॉइड करना है मेंटेनेंस फ्रंट को, तो फाइंड आउट द कंपनी जो आपको गेटेड कम्युनिटी दे और आपके साइड से मेंटेनेंस मैनेज करे। अगर आप इस तरह की मैनेज गेटेड कम्युनिटी फार्म हाउस पुणे या मुंबई के बीच में देख रहे हैं तो हम आपको मदद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।